राम प्रसाद जी बताओ, आपने पूरे परिवार के साथ क्यों बैठे हुए? इसलिए आज साहब हम पर मुसीबत पड़ रही, हमारी जमीन जायदाद है 15-16 एकड़ के करीब करीब, पर दादों के समय से उस जमीन पर काबिज थे हम लोग, और पूरे रूख पेड़ आम मगुआ सभी जगह में फैले हुए हैं, खड़े हैं। अब हमने सोचा कि हमारा बंटवारा उसमें नहीं हुआ था भाई भाइयों में, तो अपने बंटवारा कर लें और अपने अपने नपा लें, तो हमने नपाने के लिए उन्होंने जहाँ नाम थे कुछ पट्टे थे उसी ज़मीन में, कुछ पुरानी है, तो कामरवाई की हदबंदी कराने की, तो लेखपाल कानी वा साहब ने कहा कि बिना पैसों की नहीं नपती है, प्रीति हदबंदी के 10,000 रुपये लगेंगे, 60,000 रुपये 5 तारीख को ले लिए गए, और इसके बाद उनने 17 को नापा, तो पहला एक ही खेत नापा, उसमें हमें मालूम नहीं कि 7 गांठ क्या हो रही है, और यादवों लोगों ने वो जमीन हड़प ली, वह जो हमारी नापी गई, हम तो जानते हमारी नापी, लेकिन नापी उनकी है, और 2 दिन फिर उतनी नाप करके कानी को चले गए, बोले तुम्हारी हम कल नहीं 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन वो आए नहीं, और 20 तारीख को उन्होंने 4 ट्रैक्टर पर रख के 15-16 आदमी मारे लाठियों के, और जाकर के जुताई कर ली, और हम ट्रैक्टरों के नीचे सोए था, तो हमने लाते घूस मार मार के भगा दिया गया, और उनकी दबंगी के वजह से कोई गवाही भी नहीं दे सकता गांव में, गांव में रहना मुश्किल है साहब। आज हम यहां आए सरकार तक, लेकिन हमें सिरसी से वाहन करने वाला गांव है, उनके डर के मारे कोई यहाँ नहीं भरता। देखिए, मेरी भी संज्ञान में अभी आया है कि ग्राम पिपरा में जो तहसील तालबेहट का एक गांव है, वहां पर इस तरह की शिकायत हमें प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में मैंने वहां के SDM को निर्देश दिया कि वो स्वयं जाके इस पूरे प्रकरण को देखेंगी और मुझे शाम तक आख्या देंगी और आवश्यक कार्रवाई करेंगी।